जो हैदरी नहीं उसे ईमान ही नहीं, जो हैदरी नहीं उसे ईमान ही नहीं, वो गर शरीफ़े मक्का मुसलमान ही नहीं, हो गर शरीफ़े मक्का मुसलमान ही नहीं। और सजदा उस आस्था का न जिसको हुआ नसीब, सजदा उस आस्था का न जिसको हुआ नसीब, वो अपने एतकाद में इंसान ही नहीं, वो अपने एतकाद में इंसान ही नहीं। मीर तकी मीर और इश्क़ अली, इस उन्वान को अगर दो हिस्सों में भी तकसीम कर दीजिए तो मीर तकी मीर एक ऐसा मौजू है जिस पर मुझ जैसा हेच मदां और कजमज मयां गुफ्तगू करता रहे तो हज़रत यूट्यूब के सो कॉल्ड 4000 वॉचिंग आवर्स भी कम पड़ जाएंगे और ये बात ख़त्म ना हो पाएगी। चे जाए के ज़िक्र अली, इश्क़ अली, मदह अली का तस्करा, जो तौसने फ़िक्र को प्यासा ही छोड़ देगा और मीर अनीस के इस ख़याल से आगे नहीं बढ़ पाएगा कि जो उन्होंने अपने एक मरसी की बैत में नज़्म किया कि हम खुश हुए कि मदह के दरिया बहा दिए, हम खुश हुए कि मदह के दरिया बहा दिए, क्या बढ़ गया जो बहर में कतरे मिला दिए, क्या बढ़ गया जो बहर में कतरे मिला दिए। हमने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो मिर्ज़ा गालिब और इश्क़ अली में इस बात की तरफ इशारा किया था कि ये सिलसिला ऐसे अनावीन का जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह, और उसी मुक़द्दस सिलसिले की एक लतीफ़ कड़ी इस वक्त आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने अपने मुनफरिद व मुमताज़ अंदाज़ में जनाब अमीर की मदह में बहुत कुछ कहा है, बेपनाह कहा है, बेतहाशा कहा है, और कुछ ऐसा कहा है कि बस कह ही दिया है, जिसको कनायतन मैं यूं कहूँ कि जब हम ज़िक्र करते हैं कि वो खुदा है तो ये भी बताना पड़ता है कि उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। बस आप समझिए, यही महवर है मदह अली का जो मीर तकी मीर की शायरी में नज़र आता है। बहर कैफ, फ़िलहाल आप अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब की ज़बान से मीर तकी मीर की एक गज़ल जिसमें ज़िक्र अली है, मदह अली की बात है, वो और उसके आसपास की कुछ बातें मुलाहिज़ा फरमाइए। शुक्रिया। ये जो लियाकत नेशनल है देखा है म्यूजियम, जब अंदर आप गेट में दाखिल हो तो गेट के ऊपर एक शोकेस है बड़ा सा, उसके अंदर वो कुलियात रखा, उस पर कार्ड लिखा है कि ये सबसे कीमती कुलियात है। इसका एक नुस्खा लंदन ऑफिस लंदन में है, इंडिया ऑफिस लंदन में है, एक पटने में है, एक वहां, एक वहां, एक वहां, सब लिखा हुआ। और ये कीमती सरमाया पाकिस्तान के पास है। जब अंदर जाइएगा तो उसे झुक के देखिएगा, जो सफा खुला हुआ है, खोल के ऐसे रखा गया तो सीधे हाथ पे देखेंगे एक गजल लिखी है, वही पढ़े देता हूँ, गजल पढ़े देता हूँ। चले जाइएगा लियाकत नेशनल में, वही सड़क से जो टीवी स्टेशन की जो सड़क है ना, तो कभी अंदर जाइएगा तो शोकेस में वो रखा हुआ है, पुराना कुलिया सबसे पहला छापा, उस पर जो गजल लिखी है सीधे हाथ पे वो मैं पढ़ता हूँ। तुझे भी यार अपना यूं तो हम हर बार कहते हैं, भले कम है वे लोग जिनको यार कहते हैं, कम है वे लोग जिनको यार कहते हैं, अजब होते हैं ये शायर भी। ऐ माज अल्लाह, दखल कुफ्र है इस्लाम में क्यों हो, गलत ओच और बातिल बाजे जिनको यार कहते हैं। कुछ बताना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या गजल में कहते चले जा रहे हैं, अब शायर जो भी कहते अभी आखिर में समझ आएगा कहना क्या चाहते हैं। अरे माशाल्लाह, दखले कुफर है इस्लाम में क्यों हो, गलत पूछ बातिल
बाजे जिनको यार कहते हैं, अजब होते हैं ये शायर भी। मैं इस फिरके का आशिक हूं जो बेधड़के भरी महफिल में ये असरार कहते हैं। सगे कुमीर मैं उस शेरे हक का हूं जिसको सब नबी का खेस भाई हैदरे कलार कहते हैं।